इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका फ़ोन गूगल, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, जियोमी, वन प्लस, नोकिया, वीवो, मोटोरोला, सोनी, एलजी और एसएस का है, तो मैं बताऊंगा कि आपका फ़ोन एंड्रॉयड 12 के लिए एलिजिबल है या नहीं। इसका सिंपल मतलब है कि आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 12 का अपडेट आएगा या फिर नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ की फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा एंड्रॉयड 12 की, जो कि मेनली है एक डायनेमिक कलर्स। काफ़ी अच्छा कलर्स आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 12 में। उसके साथ आपको एक स्पेशल इंडिकेटर देखने को मिलेगा माइक और कैमरा का। साथ ही हमारा जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया है। और एंड्रॉयड 12 की एक स्पेशल फीचर डाली गई है जो कि है प्राइवेसी डैशबोर्ड, जो कि आपको सेटिंग में देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगर आप गेमिंग करते हो तो गेमिंग की क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस किया गया है। अब आप काफ़ी एक स्टेबल गेमिंग कर सकते हो एंड्रॉयड 12 के साथ, और स्क्रॉलिंग को और ज़्यादा स्मूथ बनाया गया है। और साथ ही साथ अगर आप फ़ोन ट्रांसफ़र कर रहे हो, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे स्विच कर रहे हो, तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। उसके अलावा आपकी सिक्योरिटी को भी इन्हांस की गई है यहाँ, साथ ही साथ कैमरा को भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस किया गया है। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि आपका डिवाइस एंड्रॉयड 12 के अपडेट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो अगर आपका फ़ोन गूगल पिक्सल का है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ कि 3, 4, 5, 6 सारे के सारे मोस्ट ऑफ द फ़ोन जो गूगल के आ रहे हैं वो सारे एलिजिबल हैं एंड्रॉयड 12 के ऐप के लिए। दूसरा कैटेगरी है हमारा सैमसंग का। सैमसंग में अगर मैं गैलेक्सी सीरीज की बात करूं, गैलेक्सी एस सीरीज की बात करूं, तो वहाँ S21, S20, S10 ये सारे डिवाइस एलिजिबल हैं। और गैलेक्सी नोट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो Note 10 और Note 20 का ये सारे वर्जन आपको एलिजिबल देखने को मिलेंगे एंड्रॉयड 12 के लिए। गैलेक्सी फोल्ड सीरीज में ये सारे फ़ोन्स एलिजिबल हैं एंड्रॉयड 12 के लिए। साथ ही गैलेक्सी अगर टैब आप यूज करते हैं तो ये सारे टैब्स एलिजिबल हैं। और अगर गैलेक्सी ए सीरीज की मैं बात करूं तो इतने सारे फ़ोन्स एलिजिबल हैं। और गैलेक्सी एम सीरीज की बात करूं तो इतने सारे फ़ोन्स एलिजिबल हैं। एफ सीरीज में इतने सारे फ़ोन्स एलिजिबल हैं। बाकी इनके अलावा सिर्फ गैलेक्सी क्वांटम 2 और गैलेक्सी X Cover 5 ही ऐसे डिवाइस है जिसमें एंड्रॉयड 12 एलिजिबल है। इनके अलावा और कोई भी फ़ोन में आपको एंड्रॉयड 12 का अपडेट नहीं देखने को मिलेगा अगर आपका फ़ोन सैमसंग का है तो। आपको सिंपली इन लिस्ट में से अपना फ़ोन को चेकआउट कर लेना है। उसके चलते हैं रियलमी के फ़ोन्स पे। तो रियलमी के फ़ोन्स में रियलमी UI 3.0 के साथ ये अपडेट देखने को मिला है। रियलमी नार्जो से स्टार्ट करते हैं। नार्जो सीरीज में ये सारे फ़ोन्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि एंड्रॉयड 12 के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ कुछ फ़ोन्स ऐसे भी हैं जैसे नार्जो 30, नार्जो 28, 20, 10 और 10A। ये सारे फ़ोन्स ऐसे हैं जिनमें हम लोग अनसिक्योर हैं, जिन्हें पता नहीं है इसमें आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, कुछ कन्फर्म नहीं है, बट ऊपर वाले फ़ोन्स में ये आएगा ही आएगा। उसके बाद मैं GT सीरीज की बात करूं तो उसमें नियो मास्टर, मास्टर एडिशन और एक GT 5G, इन सारे फ़ोन्स में एलिजिबल है एंड्रॉयड 12। और X सीरीज की बात करूं तो X7 मैक्स और X3, X50 ये सारे फ़ोन्स में एलिजिबल हैं। रियलमी के क्यू सीरीज की मैं बात करूँ तो Q3 का प्रो कार्निबल, Q3 का प्रो 5G और Q3i भी हमारा एलिजिबल है, बट Q2 प्रो और Q2 में हमारा कन्फर्म नहीं है कि उसमें आएगा या नहीं आएगा। V सीरीज की बात करूँ तो उसमें V11, V13, V11 और V15 जो है हमारा एलिजिबल है, और V3 और V5 में कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है। C सीरीज की बात करूँ तो उसमें C25 में ये आएगी अपडेट। और उसके बाद मैं अगर आपको उसके अलावा मैं रियलमी फ़ोन्स की बात करूं तो 8S, 8i, 8 और 8 Pro, 7i, 7, 6X और 6 और 6 Pro, इन सारे फ़ोन्स में आपको एंड्रॉयड 12 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 6i में कन्फर्म्ड नहीं है कि अपडेट आएगा या नहीं। अगर आपका फ़ोन ओप्पो का है तो मैं ओप्पो की X सीरीज की बात करूं तो वहाँ X3 Pro, X3, X2 और X2 का ये सारे वर्जन में आपका अवेलेबल होने वाला है एंड्रॉयड 12। और साथ ही साथ X2 Lite और X2 Neo में अभी तक कन्फर्म्ड नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। ओप्पो रेनो सीरीज में आप देख सकते हो ये सारे डिवाइस आपके कन्फर्म्ड है, इनमें आएगा ही आएगा। इनके अलावा जिनमें अनसर्टेनिटी है वो है 4F, 4Z 5G एंड रेनो 4 Lite। इनके अलावा ये सारे फ़ोन्स ऐसे हैं जिनमें एंड्रॉयड 12 का अपडेट आना बाकी है, आएंगे, ज़रूर आएंगे, ये सारे फ़ोन्स आप देख सकते हो। और A32 और A53 और A72 में अनसर्टेनिटी है कि उसमें आ भी सकता है और नहीं आ सकता है।
अगर आप MI फोन्स के यूजर हो तो आप अपनी डिवाइस यहाँ चेकआउट कर सकते हो। यहाँ 11 से रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस हैं ये सारे डिवाइस में एंड्रॉयड 12 का अपडेट आएगा, बट कुछ डिवाइस में जिसमें कंफर्म नहीं है वो जनरली 10 से रिलेटेड है। MI मिक्स अल्फा, MI 10 5G, MI 10 प्रो 5G, इन सारे डिवाइस में अभी तक अनसर्टेन है। उसके अलावा आप ये सारे फ़ोन्स में आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे Redmi 10 Prime, 10, 10T 5G, ये सारे फ़ोन्स में आपको देखने को मिल जाएगी Android 12 का अपडेट। और कुछ में जो अनसर्टेनिटी है वो आपको 999 पावर, Note 9 Pro, Note 9 5G, इन सारे में अनसर्टेन है अभी भी। अगर मैं पोको फ़ोन्स की बात करूँ तो पोको फ़ोन्स में X3, F3, M3, X3 और F3, ये सारे फ़ोन्स में आपको देखने को मिल जाएगी Android 12 का अपडेट। और कुछ डिवाइस जिनमें अनसर्टेनिटी है वो M2, M3, M2, X3 और X3 NFC, ये अनसर्टेन डिवाइस है, इनमें आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। कुछ MI के ब्लैक शार्क डिवाइस भी हैं, जैसे ब्लैक शार्क 4 प्रो, ब्लैक शार्क 4, ये सब डिवाइस में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप OnePlus के यूजर हो तो आप अपना डिवाइस यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, OnePlus Nord में अपडेट आ जाएगी। OnePlus के डिवाइस अप टू 7 तक यहाँ सारे अपडेट आ जाएंगे। उसके अलावा अगर आप Nokia के यूजर हो तो आप यहाँ अपने फ़ोन को चेकआउट कर सकते हो, X20 में भी अपडेट आएगा, X10 में भी आएगा, Nokia 5.3 तक में अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप Vivo के यूजर हो तो आप यहाँ से अपनी डिवाइस चेकआउट कर सकते हो, X70 Pro, X33, X21, ये सारे फ़ोन्स में आपको देखने को मिलेगी अपडेट। आप यहाँ से सिंपली अपना डिवाइस मिला लो। अगर मैं सारे के बारे में बताने लगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर आप मोटोरोला के डिवाइस यूज करते हो तो उसमें भी आप लिस्ट चेकआउट कर सकते हो। आपको सिंपली अपना फ़ोन मैच कराना है और कन्फर्म कर लेना है आपको कि मेरा डिवाइस जो है वो सपोर्टेड है एंड्रॉयड 12 के लिए या नहीं। लास्टली अगर आप सोनी एक्सपीरिया को यूज करते हो तो सोनी एक्सपीरिया के बस दो ही वेरियंट में ये अपडेट आने वाला है, सोनी एक्सपीरिया 10 3 लाइट और Xperia 1 3, इन्हीं दोनों फोन्स में ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा। होप सो आपको वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप कमेंट करने जा ही रहे हो तो बीच में आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आप उसे भी दबा सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।